अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप सब लोग शादी का वीडियो देखिए, हम अभी आते हैं। सुप्रीमा अचानक से ज्यादा परेशान दिख रही है। अब तो पक्का यकीन हो रहा है कि सुप्रीमा हमसे कुछ तो जरूर छुपा रही है। बार विनती की थी तुमसे, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। ये सब क्या कर रहे हैं आप? पूरे 25 लाख है, लो इन्हें और जाओ यहां से। चाहती हैं आप हमसे? इन पैसों के बदले हमारे बेटे को हमसे खरीदना चाहती हैं आप? भूल गई जो हमारे बीच तय हुआ था? भूल गई तो हम याद दिला देते हैं, हमारा बेटा हमें वापस लौटा दीजिए। इसके सिवा हमारे बीच कुछ तय नहीं हो सकता। जिस समय आप सबके सामने ये बता देंगी कि अंशुमन हमारा बेटा है, उसी वक्त आपके और हमारे बीच जो तय हुआ था वो पूरा हो जाएगा। वरना सच सामने लाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। चंदा, आप तो ऐसी नहीं थी ना। आप ही ने अपना बेटा हमारी गोदी में डाला था और वादा लिया था कि हम उसे हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखेंगे। और देखो कैसे हमारे एक एक सांस में बसा रखा है हमने उसे। उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे चंदा, नहीं। पिछले 27 सालों में ऐसा क्या हो गया चंदा कि आप इतनी बदल गई? 27 साल में सबकी जिंदगी बदल गई है। बस एक ही बात सच है कि अंशुमन हमारा बेटा है। हमें बस अपना बेटा चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे भी होगा। हम अंशुमन को अपने साथ लेकर जाएंगे। सोच लीजिए आप, बेटे का सच सबके सामने लाना चाहती हैं या चुपचाप उसे हमारे साथ जाने देंगी? फैसला आपका। आपके पाँव पड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं। अंशुमन हमसे मत छीनिए, अब उसके बिना नहीं जी पाएंगे। तुम्हारे पैर पड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, आपकी विनती करती है हमसे, हमारा अंशुमन हमसे मत छीनिए। तो क्या करें? बता दें सबको कि अंशुमन किसका बेटा है। बता दे सबको कि तुम्हारे माननीय पति योग्य श्री मिथिलेश झा अंशुमन के पिता हैं। पिता जिन्होंने प्यार तो हमसे किया पर शादी तुमसे की। क्या करें बता दे सबको?
कितनी बार कहा है नाम लेके बात मत किया करो, क्या है? सुप्रीमा चलिए यहाँ से, चलिए सुप्रीमा। सुमन कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए सुप्रीमा, बस हमारे साथ चलिए। अरे अरे चंदा, ये क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करें बाबूजी, अपने आप को सजा दे रहे हैं। अपनी गलती की सजा तो अपने आप को देनी पड़ेगी ना। और ऐसे भी सुरभि जी ने तो हमें बता ही दिया है कि जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाता, और वो भी हमारे जैसी माँ जिसे धोखा देकर कोई भाग गया और कुआरी माँ बना दिया। हमारा प्यार किसी और के कारण पाप बन गया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? देखिए बात क्या है, जो भी बात है आप मुझे बताइए। तुम्हें नहीं बता सकते, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी गलती की सजा अपने आप को दे रहे हो। और ये सब करने से आपकी समस्या हल हो जाएगी? और क्या करें आप? हमें अपना और कमजोर समझकर हमारी ममता को खरीदने की कोशिश की गई। अरे जब बाकी ममता को पैसों के तराजू में तोला जाए, वहां हमारे पास चारा ही क्या बचता है अपने आप को खत्म करने के अलावा? छोटकी बहू, ये सब क्या है? ये क्या तमाशा कर रही है चंदा? हुआ क्या है, कोई कुछ बताएगा? दादाजी कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटी सी गलत फहमी हो गई। वो चंदा माँ जी कुछ दिनों के लिए अंशुमन जी को यहाँ से ले जाना चाहती हैं अपने गांव कुलदेवी माँ की पूजा के लिए। तो सुरभि माँ को लगा कि वो अंशुमन जी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर, इस परिवार से दूर ले जाने की बात कर रही है। एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से दोनों माँ की ममता आहत हो गई, लेकिन अब कोई गलत फहमी नहीं है। चंदा माँ जी आप बस कुछ दिनों के लिए अंशुमन जी को अपने साथ ले जाना चाहती है ना कुलदेवी माँ की पूजा के लिए। माँ जी, हमने सुरभि माँ को समझा दिया है, उन्हें आपकी शर्त मंजूर है। क्यों सुरभि माँ, कुछ दिनों के लिए हम भेज सकते हैं ना अंशुमन जी को चंदा माँ जी के साथ कुलदेवी माँ की पूजा के लिए?